हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 5 घंटे पहले फिर हमारे पास एक आईएसओ संगठन से न्यूज आई है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज क्या है ये सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि 5 घंटे पहले हमारे पास क्या खबर आई है। निवेशकों ने सरकार पर लगाया हितों को अनदेखी करने का आरोप। 6 नवंबर दिल्ली चलो, जुटेंगे सभी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा अभियान की तैयारी इस वक्त चल रही है। रामलीला मैदान में हुई लोक सेवा दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोस्तों, आगे जो खबर है ये खबर आप सभी निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को बता दें कि 6 नवंबर दिल्ली चलो कार्यक्रम को देखते हुए हम सभी पीड़ित साथियों को एक लॉलीपॉप दिया जाएगा। सरकार तक हम सबकी खबर पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों का जो 6 नवंबर को धरना किया जाएगा उसकी खबर सरकार तक पहुंच गई है और हम सबको बैठना नहीं है, यह ध्यान रखना है। अभी कुछ संगठन वाले, कुछ सीनियर साथी जो अन्य कंपनियों से जुड़े हुए हैं, वह सब यही कहेंगे कि अब पैसा मिलने वाला है या मिल रहा है, घरों में बैठो, पर याद रखना दबाव बार बार नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से बनता है। इसे बनाना बनाए रखना है, नहीं तो दोस्तों 4 वर्षों के लिए भुगतान को भूल जाना है। यह हमारी बात मुंबई सेबी ऑफिस हुई थी, ऑफिस पर हुई है। कमेटी और सरकार का जबरदस्त दबाव बना हुआ है। 6 नवंबर सभी कंपनियों के लिए यह यादगार दिन होना चाहिए ताकि भविष्य में सरकार इसको लाइसेंस देने के पहले 2 बार सोच सके। किसी की बात में नहीं आना है। 6 नवंबर दिल्ली चलो, यह मेरा निवेदन है। 10 साल नहीं, 10 दिनों में भुगतान लेना है। दम लगा दो, सिर्फ एक बार यह है, अंतिम आंदोलन होगा इन कंपनियों के लिए। बाकी आप सबकी मर्जी, मेरी सोच, मेरा विचार। जय हिंद, जय भारत। विकास त्रिपाठी, कानपुर वाले। क्या दोस्तों, जैसा कि इन्होंने आशंका जताई थी कि सरकार तक इनकी 6 नवंबर जो इनका मोदी जी के आवास से घेराव किया जाएगा उसकी वहां तक भनक पहुंच चुकी है और एक 5,000 का लॉलीपॉप आपके लिए 17 अक्टूबर को चालू किया गया है सेवी विभाग की तरफ से। तो दोस्तों, बड़े निवेशकों को पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 2,500 के बाद अब ये कुल 2,500 ही बढ़ाकर इन्होंने 2018 में 2,500 दिए थे, 2019 में 5,000। तो इस तरीके से अगर ये 2,500 बढ़ाएंगे तो 50,000 से ऊपर के निवेशक और या 50,000 वाले निवेशकों का मिलना तो हिसाब से दोस्तों 10 साल बाद लग जाएगा, कम से कम 10 साल का टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए और इस संगठन के साथ जुड़कर इनके धरने प्रदर्शन को सफल बना दीजिए। बस ये आखिरी धरना होगा दोस्तों, आपके पैसे मिलने का। ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आप